सुनना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। जॉन, जॉन, काली पहाड़ी में खजाना है। मेरी रिसर्च एकदम पक्की और कंफर्म है। तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों खजाना 50-50 बांट लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, जल्दी बताओ। काली पहाड़ी इतनी बड़ी है कि उसमें हजारों केव्स हैं। हर केव्स में जा जाकर खजाना ढूंढेंगे कैसे? ऐसे तो सालों लग जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। मोटू, आज तो चाय वाले की दुकान बंद है। नहीं, मुझे समोसे चाहिए। चाय वाले को बुलाओ, समोसे बनवाओ, मुझे समोसे दो, समोसे चाहिए, समोसे दो। मोटू, अरे क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? सुनो भाई साहब, आपने इस चाय वाले को कहीं देखा है क्या? हाँ, उसको एक राजा साहब खाना बनवाने के लिए काली पहाड़ी पर ले गए हैं। क्या मतलब है बड़े भैया? अरे तुम्हें नहीं पता, राजा साहब की खानदानी पगड़ी काली पहाड़ी पर कहीं खो गई है। उसमें बहुत सारे हीरे जड़े हैं। राजा साहब ने ऐलान किया है कि जो पगड़ी ढूंढ कर लाएगा, राजा साहब उससे एक बड़े हीरे को छोड़कर बाकी सारे हीरे देंगे। सब लोग वहीं गए हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ, चलता हूँ। राजा साहब की पगड़ी? कुछ तो गड़बड़ है, चिंगम सर को बताना होगा। चिंगम सर, किसी राजा जी की पगड़ी ढूंढने सारे पुरफरी नगरवासी काली पहाड़ी पर गए हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी पहुँची। ठीक है पतलो, वही मिलते हैं। मोटू चलो, चिंगम सर को लेकर काली पहाड़ी पर चलते हैं। डॉक्टर झटका घसीटाराम भी शायद वही गए होंगे। क्या पता, शायद हीरो वाली पगड़ी हमें ही मिल जाए। देखा मेरे शैतानी दिमाग का कमाल, अब इतने सारे लोगों में से कोई ना कोई तो खजाना ढूंढ ही लेगा, फिर बस खजाना हमारा। बस बस, वो देखो मोटू पतलू आ रहे हैं। ये कहाँ से आ गए? दाल में कंकर, कबाब में हड्डी, आइसक्रीम में नमक, ये आ गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इन्हें फौरन यहाँ से 9-2-11 करना पड़ेगा। जय हो राजा साहब की, जय हो राजा साहब की, जय हो राजा साहब की, जय हो। बस बस, बहुत हो गई जय, अब सीधे सीधे खड़े हो जाओ। हम खुश हुए यंगन, यंगन, ये हीरा मेरा खानदान हीरा है। इसको छोड़ के मैं तुम्हें पगड़ी के सब हीरे दे दूंगा। तो यंगन, जाओ और जल्दी से पगड़ी ढूंढ। जी राजा साहब, जी राजा साहब, जी राजा साहब, जी। उन्होंने मुझे पर्सनली यंग मैन कहा। तुम लोग डॉक्टर झटका घसीटा राम को ढूंढो, मैं पगड़ी ढूंढ के आता हूँ। अरे मोटू, पगड़ी वगड़ी कुछ नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मोटू पतलू ठीक कह रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ पगड़ी है। अरे यहाँ कहाँ से पैसे मांगने आ गए तुम लोग? नहीं, हम पैसे मांगने नहीं आए हैं यारे। अच्छा, अब चलो रास्ते से हटो। बुड़ी बाबा, मोटू पतलू, तुम हमको रास्ते से हटा रहे हो? अरे घसीटा राम, तुम
बड़े भैया, आप भी पगड़ी ढूंढने आए थे? लेकिन हुआ उल्टा। ये मत, क्या हुआ? किसी ने मारा पीटा क्या? मारा तो किसी ने नहीं, लेकिन ऊपर पहाड़ी से गिरते गिरते दुर्दशा हो गया। उड़ी बाबा। देखा, पगड़ी वगड़ी कुछ नहीं, अब चलो यहाँ। नहीं जाएंगे, जिसे जाना है जाओ, लेकिन मैं पगड़ी ढूंढ के ही लाऊंगा। हाँ। अरे मोटू चलो ना। अच्छा वैसे पीछा छूटा, चलो। मोटू ये राजा जॉन ही है, बिल्कुल नाटा, और उसके दोनों गार्ड बिल्कुल नंबर वन नंबर टू की तरह दिखते हैं। खबरदार पतलू, अरे कहाँ ये राजा साहब और कहाँ वो चोर जॉन? तो तुम नहीं मानोगे, रुको। जॉन? कौन? जॉन बनेगा, जॉन बनेगा, जॉन। अरे अरे क्या कर रहे हो? वो लोग देख रहे हैं। देखा, गौर से देखो, वो जॉन है। जॉन ने राजा बनकर मुझे धोखा दिया। जॉन, तुमने मेरे इमोशन के साथ में खिलवाड़ किया है, नहीं छोड़ूंगा। इतना अच्छा प्लान था, सारा सत्यानाश कर दिया। अब क्या करें जॉन? अच्छा तो ये जॉन है। इस चट्टान को नीचे धकेल दो, फिर दुश्मन भी खत्म और झंझट भी खत्म। राजा साहब कहकर मुझसे खाना बनवा रहा था, अभी बताता हूँ। खुशबू। अब क्या हुआ? डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया क्या? डर से नहीं जॉन, खजाने की रोशनी से। लेकिन खजाना किधर है? किधर है खजाना? खजाना तुम्हारे पीछे है, लेकिन अब वो हमारा है, क्योंकि उसे हमने पहले ढूंढा है। नहीं, खजाना मेरा है, जॉन द डॉन का है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। इधर क्यों फेंका? फेंकना ही था तो डायमंड्स के ऊपर फेंकते थे। अरे आपका है, मतलब सरकार का है। ओके मोटे पतलू, मैं ये सारा खजाना ले जाकर सरकार को दे दूंगा।
चिंगम सर ऐसा मत करो, कम से कम थोड़ा तो मुझे भी दे दो। नहीं देना है तो कम से कम मुझे खजाने के अंदर ही 3-4 साल के लिए कैदी बना लो। कम से कम खजाने को देखता तो रहूंगा, छूता तो रहूंगा। प्लीज चिंगम सर।